अपना देश बहुत आगे निकल गया है और देश के लोग तो हाथ से निकल गए हैं, अब ये किसी के पकड़ में नहीं आएंगे। तरक्की हो गई, तरक्की हिंदुस्तान की। बुढ़े बुढ़े खोसट लोग नौजवान छोटी छोटी लड़कियों से मोहब्बत कर रहे हैं, उन्हें फंसा रहे, उलझा रहे हैं, और नौजवान लौंडे बुढ़िया पे लाइन मार रहे हैं। ऐसा घिनौना प्रेम प्रसंग चल रहा है, ऐसा खतरनाक प्रेम प्रसंग चल रहा है। और इसमें जो बुढ़े पकड़े जाते हैं, जिनको भीड़ आके उनके मुंह पे गोबर पोत देती है, काली पोत देती है, चौराहे पे उस लड़की को पकड़ के उसके गिरा के उसके नथने में लकड़ी के चैला घुसेड़ देते हैं। इसके बाद मार खाने के बाद, बेइज्जती के बाद, वो कपल स्टार हो जाता है। सारे चैनल वाले उनके पीछे इंटरव्यू के लिए उनको हीरो बना देते हैं। वैलेंटाइन डे ऐसा प्यार का दिन मनाते हैं, उन दोनों को नहला धुला के जोड़े कैसे बिठाते हैं। बड़े बड़े लोग अपने प्रेम निवारण के लिए उनसे सवाल करते हैं, प्रेम प्रसंग के बाद उनसे सलाह लेते हैं, उनसे पूछते हैं, और बड़ी शान के साथ लोगों के जवाब देते हैं। आज प्रेम दिवस है, जिस किसी का भी कहीं कोई चक्कर हो, अफेयर हो, लड़की पटाने की कोशिश हो रही हो, किसी के मन में तरह तरह के सवाल होंगे, प्रेम प्रसंग में फंसे होंगे, कोई अपनी गर्लफ्रेंड को छावी कहता है, कोई माल कहता है, कोई सामान कहता है, कोई पटाखा कहता है, ऐसे अगर कोई भी प्रेम वार्ता में, प्रेम प्रसंग में कोई कष्ट हो तो हमसे सवाल करें, निवारण मिलेगा। मटुकना जी, मैं आप दोनों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हाँ, कि जिस समय सार्वजनिक तौर पर आप लोगों का अपमान किया गया, आपके चेहरे पर स्याही पोत दी गई, मुंह काला कर दिया गया, अवश्य आपके गले में जूतों का हार डालकर, आपको गधे पर बैठाकर पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया, आज आप देश में मीडिया में सबसे बदनाम जोड़ा है। जी जी जी, अवश्य। तो इन सबको लेकर आपके मन में फीलिंग्स कैसी हैं? बड़ा ही तुच्छ निम्न स्तर का सवाल है। क्यों भाई, बहुत घटिया सवाल पूछा गया। मुझे क्या मालूम, मैं तो खुद बहुत बड़ा घटिया हूँ। देखिए, ऐसा करके हमें सम्मानित किया गया है, हमारे सच्चे प्यार को प्रमाणित किया गया है। जितना अपमान हुआ, हमारी प्रसिद्धि बढ़ी, हमें निकटता बढ़ी। आज हम हर ऐसे कार्यक्रमों में प्रमुख अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं और हमारी ऊंचाई बढ़ी। इसका सबसे बड़ा सबूत है, हमें यहाँ बिठाया गया है ऊपर सोफे पे, और आप पढ़े लिखे लोग जो हैं नीचे बैठो। मटुकना जी, मेरा एक सवाल है। क्या है कि ये जब मैं फिल्में देखता हूँ तो उसके अंदर कभी कभी ये बलात्कार का सीन आ जाता है, और उसमें कैसे लड़की जो है वो यहाँ वहाँ भागती है अपने आप को बचाने के लिए। जी जी, तो एक्चुअली मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो क्या मुझे करना चाहिए? देखिए, ये नई पीढ़ी है हमारी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ आपकी जिज्ञासा। आप जब कोई पर्दे पर रेप देखते हैं तो आपको लगता है इसमें संघर्ष है। पहले तो पहले आप रेप को अवॉइड करें। निराश मत होइए, आगे सुनिए, उसका निवारण है। मैं समझ सकता हूँ आपकी जिज्ञासा। लड़की भाग रही है, आदमी पीछे है, वो चीख रही है बचाओ बचाओ, तो किसी को भी लगता है कि इस तरह से हमारे जीवन में क्यों नहीं होता, ये लीला मैंने क्यों नहीं खेली। इस प्रकार से मैं समझ सकता हूँ। और आप ऐसे कर्मठ व्यक्ति हैं और ऐसे हार्ड वर्कर हैं, ये चाहते हैं कि संघर्ष के बाद सुख की प्राप्ति हो। ये अपने आप सीधे सीधे ब्याह के आ गई उसमें विश्वास नहीं रखते।
तो पहले आप इस लीला को आप अवॉइड करें। थैंक यू। बटुकनाथ जी, एक बड़ी गंभीर समस्या में उलझा हुआ हूँ। जी जी। मेरे पड़ोस में एक खूबसूरत कमसेंसी लड़की रहती है। छोटी है? उसकी उम्र यही कोई 18 साल है। अच्छा अच्छा। काफी अरसे से उसको पटाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हाथ ही नहीं आता। अच्छा अच्छा। अब मैं उसको ऐसा क्या तोहफा, क्या गिफ्ट दूं कि वो आकर्षित हो जाए? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। आप हैं 65 के? जी। लड़की है 18 की। ये हमसे भी ज्यादा अच्छा ये केस आया है सामने। तरक्की हो रही है जी। अच्छा, आप बराबर लाइन मारते हैं उस कन्या को। वो आपकी तरफ देखती नहीं, कुछ नहीं? नहीं देखती। थूकती आपके मुंह पे? हाँ, बहुत बार थूका। अच्छी बात है। वो समस्या ये है कि वो आकर्षित नहीं हो रही। ये क्या ऐसा तोहफा दें कि वो आकर्षित हो जाए? जी, यही इनका प्रश्न है। बड़ा सीधा सा जवाब है। आप उसको मेरा मोबाइल नंबर दे दें। लिया। मटुक जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे, अपना दे दें फिर भैया, आप जाने वो जाने। फोन आपका। हेलो, क्या मैं मूली जी से बात कर सकती हूँ? किसी महिला का स्वर है जी। हेलो, बोलिए। नमस्कार मूली जी, मेरा आपसे प्रश्न है कि एक ही कुतिया को एक साथ 6-6 बच्चे कैसे हो जाते हैं? देखिए, बहुत ही सरल जवाब है इसका। ये बहुत, देखिए, आज के अगर इस सभ्य समाज में कोई भी शख्स बिना कपड़ों के नंगा घूमेगा तो उसके 6 बच्चे ही होंगे, वो भी एक साथ। तो इसीलिए हमारे समाज में, हमारे देश में कपड़ों का बहुत महत्व है जी। आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगी? जी जी जी, धन्यवाद। मटुकनाथ जी, पानी पिलाओ। नियंत्रण कीजिए मटुक जी। मटुकनाथ जी, कुतिया के बारे में किसी ने पूछा? जी जी जी, प्रश्न था। बिच। एक अंगत प्रश्न है। प्रश्न यह है कि आप दोनों बिना शादी के ही साथ साथ रहते हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे समाज पर बुरा असर पड़ सकता है? आप दोनों आखिर शादी क्यों नहीं कर लेते? बेकार का सवाल है। गिरे हुए लोग हैं, निम्न स्तर के, छोटी सोच। देखिए, इस तरह के विचार हमारे भी मन में आया लेकिन अब हम दोनों आपस में इतने बदनाम हो चुके हैं कि अब हम दोनों से शादी करेगा कौन? जवाब बहुत अच्छा दिया। जवाब मूली जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ये पूछिए कि आपने मटुकनाथ जी में ऐसा क्या देखा जो आप उन पर इतना फिदा हो गई? देखिए, सिर्फ दो ही बातें मैंने इनमें देखी हैं। एक तो इनकी इनकम और दूसरी इनकी दिन कम। अरे अरे, खत्म हो गए, दिन कम खत्म हो गए। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.